बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बिलाल अहमद काजी और मेरा ताल्लुक है न्यूआ से ही। ये ग्राउंड जो है इसका नाम रखा गया है एसएफडी क्रिकेट स्टेडियम न्यूआ। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनमें से मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि पानी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा किल्लत है, उसमें हमें एक बोरवेल चाहिए। तो यहाँ पे टॉयलेट्स की भी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि खिलाड़ी जो हैं वो कभी हाजत रवाई के लिए उन्हें जाना पड़ता है ग्राउंड से बाहर, तो इस तरह से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से आप देख सकते हो इस साइड में ये रोड्स कनेक्टिविटी नहीं है इसमें, तो यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना रहता है। यहाँ से मिट्टी वो लेके जाते हैं और उसमें से बहुत धूल मिट्टी हमें उसका सामना करना पड़ता है। फील्डिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही है, डग आउट में यहाँ पे उसमें भी इंतजाम चाहिए हमें। और ये जो ग्राउंड है ये यहाँ पे टूर्नामेंट्स जो ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं आबिद हसन और ब्रदर, उनकी वसाकत से जिनका नाम है राज रफीक, और उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं यहाँ पे मैरीलैंड पब्लिक स्कूल, और को स्पॉन्सर से रहमत मोबाइल्स, उनकी वसाकत से ये टूर्नामेंट्स जो ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पे। उनका मुद्दा है हम यूथ को इसमें इन्वॉल्व करें, उन्हें ड्रग्स से काफ़ी दूर लेके जाएं, और हमें जो चाहिए यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ चाहिए हमें, और इस तरह से हम उनको काबू कर सकते हैं, अपने बस में लेके आ सकते हैं यहाँ खेल की ओर, उन्हें वो नशा जो है वो छूट सकता है, वो अच्छी आदतें पा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी कमियां हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने पहले कहा कि बोरवेल चाहिए, टॉयलेट्स चाहिए, यहाँ सीटों का इंतज़ाम नहीं है तमाशाइयों के लिए, अगर उसका भी इंतज़ाम हो जाता, और जो ये टर्फ है यहाँ पे अगर आप नेचुरली से हमें मैट की ज़रूरत ना पड़े, वो जैसे खेलते हैं जैसे बाहर के ये स्टेडियम्स हैं श्रीनगर में, हम चाहते हैं वैसा यहाँ पे ग्राउंड बने। और मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट से जिन तक ये वीडियो पहुँच जाए, और अगर वो सुन रहे हैं मेरी बात तो मेरी बात का वो ख्याल करें कि मैं जो कह रहा हूँ हमें यहाँ पे रियली में प्रॉब्लम्स हैं। आप प्रैक्टिकली यहाँ पे आके देख सकते हो, वहाँ पीछे हमने बनाए थे प्रैक्टिस के लिए टर्फ, लेकिन अभी तक उनने वो नेट जो है उसमें नहीं लगाया है, उसमें नाकाम रहे हैं वो। तो ये खामियां मैं नहीं कहूँगा, लेकिन देर से स्टार्ट है लेकिन होने चाहिए, तो ये काम अभी पेंडिंग है यहाँ पे, उसके पीछे लगे हैं यहाँ पे बहुत सारे हमारे जवान, जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कर रहा हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ मैं। उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा तारिक अहमद साहब का, जो कि उनकी अंथक कोशिश से मेहनत से अभी तक ये ग्राउंड जो है इस पोजिशन में है। और जो खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आए, वो इन खामियों को वो दूर कर, मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी अपील ही है, जैसे मैं कहूँगा कि अगर आप देखेंगे सर यहाँ पे लोकल एफर्ट्स इन्होंने कितने लगाए, लोकल एफर्ट्स की वजह से इतना अच्छा ग्राउंड बन गया है। सर मैं यही कहूँगा कि अगर आप यहाँ का रास्ता देखोगे कितना ख़राब है, अगर खुदा ना खासा कभी बारिश होगी तो मुश्किल होगा नीचे उतरना। तो हम यही एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं कि एक तो यहाँ पे रोड का देख लीजिए, और यहाँ पे इतनी गड़ बैठती है सर, पता ही है कि हालात कैसे, अभी कोविड का भी मसला था तो प्लेयर्स पे इस पर बुरा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि वो इस ग्राउंड को लुक आफ्टर करें।